सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जिला कलेक्ट्रेट में पुलिस की कस्टडी में आज एक बंदी की मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया और बंदी की मौत की खबर सुनकर उसके पिता को हुआ हार्ट अटैक। पिता को प्राइवेट अस्पताल में कराया गया भर्ती। पिता की हालत नाजुक। रामपुर के थानागंज के मोहल्ला रेतिया ऊंची चौपाल निवासी इस्लाम पर थानागंज में गोक्षी का मामला दर्ज था, जिसको लेकर आज परिजनों ने उसको कोर्ट में सरेंडर किया था और उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। हिरासत में लेने के कुछ देर बाद बंदी ने इस्लाम की हालत बिगड़ गई। पुलिस कर्मी तुरंत इस्लाम को लेकर जिला अस्पताल गए और इलाज के उसकी मौत हो गई। बंदी की मौत की खबर सुनकर पुलिस प्रशासन ने हड़कंप मचाया और तुरंत सीओ सीटी ओपी आरए जिला अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से उसकी जानकारी ली और मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी। परिजन फौरन जिला अस्पताल पहुंचे और इस्लाम को देखकर रोने पीटने लगे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जवान बेटे की मौत की खबर सुनकर मृतक इस्लाम के पिता को हार्ट अटैक आ गया और उनकी हालत भी नाजुक बनी हुई है। उनको प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मृतक के परिजन गुलवेज ने बताया इन पे केस था और ये आज अदालत में हाजिर हुए थे और इनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। इनको अस्पताल लेकर गए, वहां इनकी मौत हो गई। वहीं इस मामले पर सीओ सिटी पीओपी आरए ने कहा कि एक युवक ने आज सरेंडर किया था। सरेंडर के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई, उसे अस्पताल लेकर आए तो वहां उसकी मौत हो गई। हाजिर हुए और हाजिर होकर अदालत ने जाली पे दे दिया इनको। वहां पे इनकी कुछ तबीयत बिगड़ी। बिगड़ने के बाद में हम लोग सब इनको हाजिर करा के पुलिस के हवाले करके आ गए थे। फिर थोड़ी देर के बाद में फ़ोन आता है, इनकी तबीयत हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, आप अस्पताल आए। तो हम अस्पताल आए हैं तो फौरन यहाँ ख़त्म हो चुके थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम था इस्लाम। इस्लाम, कितनी उम्र होगी इनकी? लगभग 30 साल। अच्छा, पिताजी के क्या हुआ उनके? पिताजी सदमे की वजह से हार्ट हो गया। अच्छा, अभी कहाँ पर हैं पिताजी? अब इसका नाम क्या है, ये शनाई हॉस्पिटल के जो हैगा हॉस्पिटल है शनाई उसके मैरिज हॉल के पास, उस हॉस्पिटल में ले गया। तो यहाँ पर नहीं देखा जिला अस्पताल? लड़के ने आज सरेंडर किया था और सरेंडर के बाद कोर्ट में उसकी खराब हो गई। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद उसको कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पे एडमिट कराया गया इलाज के लिए। सर परिवार वाले सर पुलिस पर हत्या के आरोप लगा रहे हैं। कोई हत्या का आरोप नहीं लगा रहा, क्योंकि मेरे हिसाब से बात हुई है ना, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सारा।